हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SKH रेवोल्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कंप्यूटर टीचर जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 37, 38, 39 के अराउंड में आ रहे हैं। तो अब ये स्टूडेंट कन्फ्यूज में है कि उनका सिलेक्शन जो है वो होगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके मार्क्स जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन होंगे, क्वेश्चंस डिलीट होने के बाद में क्या होगा, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर एक साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग सभी स्टूडेंट को ये पता है कि दोनों जो पेपर है, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट नॉन टेक्निकल और जो सेकंड पेपर था वो यहाँ पे था टेक्निकल पेपर। तो दोनों पेपर के अंदर यहाँ पर 40% जो है क्राइटेरिया रखा गया था कि दोनों के अंदर अलग अलग 40% मार्क्स जो है वो आने जरूरी है, यानी कि। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड पेपर था बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, जो सेकंड पेपर था वो थोड़ा लेवल का था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 40% से कम बन रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स जो बन रहे हैं वो 37, 38, 39 या फिर 40 के अराउंड में बन रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कैसे बढ़ेंगे और डिलीट होने के बाद उनके मार्क्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो उसके बाद जो 40% जो है वो टोटल मार्क्स का कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो किस प्रकार से इंक्रीज होगा क्वेश्चंस डिलीट होने के बाद में। क्वेश्चंस डिलीट होने के बाद में हर क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ेगी या क्या रहेगा, तो वो सब भी हम यहाँ पर एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बाद में यहाँ पे उसके मार्क्स जो बन रहे हैं 38 है। वैसे उसके टोटल करेक्ट क्वेश्चंस जो सही थे वो थे यहाँ पर 44, लेकिन उसने 18 क्वेश्चंस जो है वो गलत कर दिए, 18 क्वेश्चंस उसने गलत कर दिए और उसकी वजह से अब उसके जो मार्क्स बच रहे हैं वो है यहाँ पर 38 क्वेश्चंस या 38 मार्क्स जो है वो बच रहे हैं, यानी कि 18 क्वेश्चंस गलत होने की वजह से उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो नेगेटिव में चले गए, उसकी वजह से यहाँ पर उसके नंबर जो है वो 40% से कम हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मान के चलती हूँ कि मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चंस आपके डिलीट होंगे, क्योंकि 7-8 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिलीट होने की पूरी संभावना है कि आपके 7-8 क्वेश्चंस जो है वो डिलीट हो सकते हैं। क्वेश्चंस वही डिलीट होंगे फ्रेंड्स जिसमें एक क्वेश्चंस के दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और दोनों ही ऑप्शंस जो है वो सही हैं, तो उस कंडीशन में आपके क्वेश्चंस जो है वो डिलीट होंगे और 7-8 क्वेश्चंस जो है डिलीट हो सकते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर जो है वो चेंज हो सकते हैं, उनका ऑथेंटिक प्रूफ दिया गया है इसलिए उनके आंसर चेंज होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चंस हमारे डिलीट होंगे, लेकिन अभी मार्क्स जो है स्टूडेंट के 38 है, 38 मार्क्स बन रहे हैं उसके, और क्वेश्चंस जो है वो 8 डिलीट हो सकते हैं। तो 8 क्वेश्चंस मान के चलते हैं हम डिलीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 8 क्वेश्चंस डिलीट होते हैं। अब 8 क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो क्वेश्चंस बचते हैं 92। 100 के अंदर से अब 92 क्वेश्चंस बचते हैं, यानी कि पहले हर क्वेश्चंस की जो मार्क्स था वो कितना था, 1 मार्क्स था, लेकिन अब हमारे क्वेश्चंस जो है वो कितने बचे हैं, 92 क्वेश्चंस बचे हैं। अब हर क्वेश्चंस की वैल्यू क्या रहेगी, तो फ्रेंड्स इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपने, यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 92, तो यहाँ पर हर क्वेश्चंस की वैल्यू अब बढ़ चुकी है, वो होगी यहाँ पर 1.0869 समथिंग जो है ये वैल्यू होगी। तो अब हर क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाएगा, मतलब जितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से यहाँ पर जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि मान लो कि यहाँ पर अगर 10 क्वेश्चंस डिलीट होते तो फ्रेंड्स इस प्रकार से निकालते 100 डिवाइड बाय 90, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती 1.11 समथिंग वैल्यू जो है वो आती हर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हमने लिए 8 क्वेश्चंस डिलीट हुए, तो अब हमारी वैल्यू जो है वो कितनी हो चुकी है, बढ़कर 1 से 1.086 समथिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस डिलीट करने के बाद में हम हमारी वैल्यू या नंबर जो है किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दो तरीके से बताती हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट के अंदर अगर मैंने टोटल राइट क्वेश्चंस लिए, मान लो टोटल राइट क्वेश्चंस किसी स्टूडेंट ने 44 किए हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, अभी उसने नेगेटिव मार्किंग माइनस नहीं किया, उसके 44 क्वेश्चंस बिल्कुल राइट है, और उसने 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसने गलत किए हैं,
तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ कितने मार्क्स बनेंगे, तो यहाँ पर 44 इंटू हर जो क्वेश्चन है उसकी वेटेज यहाँ पर बढ़ा है, 1.086 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18 क्वेश्चन जो नेगेटिव में है, और यहाँ पर 0.362 जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे टोटल मार्क्स बनेंगे आपकी 41.268। या फिर डायरेक्ट इसको हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 44 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे, माइनस 18 डिवाइड बाई 3, सिक्स क्वेश्चन जो है माइनस हो गए नेगेटिव की वजह से। अब आपके क्वेश्चन बचे थे 38, यानी 38 मार्क्स या फिर 38 क्वेश्चन बचे थे। अब आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 38, और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जिस वेटेज से हमारी क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ी है, यानी कि 1.086 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू रहेगी 41.268, सेम वैल्यू रहेगी। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, आपके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीके बता दिए, यानी कि टोटल यहाँ पर राइट क्वेश्चन लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिए नेगेटिव हटाने के बाद टोटल आपके कितने मार्क्स बचे हैं, कितने क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिए हैं टोटल आपके राइट कितने थे विद यहाँ पर कितने राइट थे आपके नेगेटिव के साथ में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओबीसी और जनरल के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 40% रखा गया है। मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स कैसे फाइंड करने हैं वो आपको बताया है। तो एससी और एसटी जो कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट है जिनको यहाँ पर 35% चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार जो है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स 32 के अराउंड है, तो उनके मार्क्स जो है बढ़ के 36 के अराउंड तक पहुँच जाएंगे जब मतलब क्वेश्चंस डिलीट होंगे। तो फ्रेंड्स आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। साथ में ही इसी प्रकार की कोई भी स्टडी ओरिएंटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँच सके।